लोकशक्ती न्यूज नात विश्वासाच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुसलसल दो रोज़ से बारिश हो रही है, तो लिहाजा अहले हदीस ईदगाह रंग भवन में बहुत कीचड़ जम चुका है और पानी जम चुका है, और मुसलसल बारिश की वजह से कोई हल भी नहीं निकाल सकते हैं। लिहाजा आप तमाम से ये बताते हुए नहायत अफसोस के साथ बताया जा रहा है कि अहले हदीस ईदगाह रंग भवन में कल 10 तारीख को बरोज़ इतवार को ईद उल अज़हा की नमाज नहीं होगी। तो लिहाजा तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने अपने इलाकों की मस्जिदों में अपने अपने लिहाज से नमाज के अवकात तय करें और अपने अपने इलाकों की मस्जिदों में ईद उल अज़हा की नमाज का एहतमाम करें, इंतज़ाम करें। और फिर एक बार बताया जा रहा है कि अहले हदीस ईदगाह रंग भवन में ईद उल अज़हा की नमाज बारिश की वजह से नहीं होगी। लिहाजा आप तमाम इस बात को नोट करें और अपने दोस्त अहबाब तक भी इस बात को पहुंचाएं। ये ऐलान सिर्फ और सिर्फ अहले हदीस ईदगाह रंग भवन के तहत है, लिहाजा इस बात को भी नोट कर लें। अल्लाह ताला हम तमाम के हसनात को कबूल करें और लफ्जिशों को माफ़ फरमाए, और आप तमाम को पेशगी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करते हैं। कल चूंकि कुर्बानी का दिन है, हम अल्लाह की राह में अपने जानवर कुर्बान करते हैं, तो ईमान का तकाजा ये है कि पाकी सफाई आधा ईमान है, और पाकी सफाई का ख्याल रखते हुए अपनी कुर्बानियाँ करें, मोहल्ले को साफ रखें, अपने इलाके को साफ रखें, किसी को तकलीफ़ होने का मौका ना दें, और अपनी कुर्बानियाँ करें, और लोगों को गुरबा मसाकिन और रिश्तेदारों में अपने गोश्त को तकसीम करें, खुद भी खाएं, सबको खिलाएं।